राहुल जी, कई बार कुछ घटनाएं होती हैं और एक व्यक्ति ऐसा होता है वो अपना जीतता हुआ चला जा रहा है, जीतता चला जा रहा है, उसका मतलब अश्वमेध का घोड़ा जो है वो दौड़ता चला जा रहा है, और अचानक एक ऐसा मोड़ आता है कि सब कुछ पलट जाता है। इतिहास में 18 जून 1815 का दिन याद रखा जाता है, जिस दिन वाटरलू का युद्ध हुआ था। नेपोलियन बोनापार्ट ने लगभग पूरे यूरोप पे फतेह हासिल कर ली थी, लेकिन वो एक युद्ध ऐसा हुआ वाटरलू, मुहावरा बन गया बाद में तो, कि उसके बाद नेपोलियन खत्म हो गया। तो ये जो घटना जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, मुझे नहीं पता क्या है, कल क्या होगा राम जाने, मैं भविष्यवक्ता भी नहीं हूं, लेकिन ये एक घटना, एक बात पक्की है कि राजनीति को एक नया मोड़ जरूर दे रही है। और जहां भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी तीसरी टर्म के लिए कोशिश कर रहे हैं कि हर स्टेट में उनकी कुछ सीटें बढ़े, उत्तर प्रदेश में आपने देखा समाजवादी पार्टी की ठीक है सरकार नहीं बनी, लेकिन जिस प्रकार से उनके विधायक चुन के आए, अगर उसी प्रकार का उनकी परफॉर्मेंस भी रह जाती है लोकसभा के चुनाव तक, तो अगर बीजेपी की जो चलना है सीटें जो पूजा है जी, वो ठीक। कम होंगी। इसी प्रकार जो ये जो घटना बिहार में हुई है, अब बिहार विपक्ष के नेता बनते हैं कि नहीं बनते, कोई गठबंधन विपक्ष का बनता है नहीं बनता, और उसमें नीतीश जी को नेता उस गठबंधन का बनाया जाता है कि नहीं बनाया, ये बात की बात है। लेकिन आप सिर्फ इतना मान लीजिए कि 2024 के चुनाव में ये जो गठबंधन अब बना है बिहार में ये गठबंधन अरे कायम 10 मिनट, रहता है, तो जो 39 सीटें मोदी जी को 40 में से 39 सीटें जो मिली थी 2019 में, क्या वो मिल सकती हैं? मैं नहीं समझता कि 20 भी मिल पाएंगे उस स्थिति में। तो इस घटना का कोई कुछ माने ना माने, मेरा मानना यह है कि बहुत बड़ा राजनीतिक जो है वो हानि होने जा रही है बीजेपी को। और दूसरा क्या होता है कि जैसे नेपोलियन बोनापार्ट की तरह इंदिरा गांधी जी भी हमारी सन 71-72 में गरीबी हटाओ, मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ, ये सब कहते हैं कि गरीब हटाओ, और बांग्लादेश उन्होंने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए, सिक्किम को मना लिया, प्रिवी पर्स खत्म कर दिए राजा महाराजाओं के, तो अपने बिल्कुल पीक पे थी, अटल बिहारी वाजपेयी उनको दुर्गा माता का अवतार बोला करते थे। और फिर एक पटना के कदमकुआं में एक बूढ़ा व्यक्ति जो बिल्कुल रिटायर्ड सा हो गया था, वो निकलता है और उस अजय माने जाने वाली, तब तक कांग्रेस को आप, क्योंकि राहुल जी उस समय के नहीं है, हम उस समय समझने लग गए थे जो हमारी उम्र थी, उस समय ये कोई सोच भी नहीं सकता था कि कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी। 77 के चुनाव में सब लोग ये कहते थे कि बहुत ज्यादा होगा तो ये होगा कि भाई विपक्ष मजबूत होके आ जाएगा, ये कोई भी नहीं मानता था कि सरकार बन जाएगी जनता पार्टी की, तो लेकिन वो हुआ। तो कई बार घटनाओं की जो शुरुआत होती है, जो नीतीश जी ने शुरुआत की, ये विपक्ष का चेहरा भी बन सकते हैं प्रधानमंत्री का, एक पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति हैं, और बिहार एक ना कुरुक्षेत्र बनने जा रहा है, जैसे महाभारत का युद्ध हुआ था कौरवों पांडवों के बीच, ये इसको हम संकुचित करके सिर्फ सेकुलर पॉलिटिक्स नहीं बोल सकते। बिहार में आज भी महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर, जो जनता के मूलभूत मुद्दे हैं, मेहनत कश की बात होती है, कमेरे वर्ग की बात होती है बिहार में, पूंजीपतियों की जय नहीं बोली जाती बिहार में, तो जो जो राजनीति बिहार में मेहनत कश की, कमेरे की, जो मजदूर की, जो बात करने ठीक है, वाली, जो महंगाई की, बेरोजगारी की है, अगर वो मुद्दा लेकर के, और दूसरी तरफ वो जो जो सिर्फ अपने गोदी मीडिया के दम पे या पूंजीपतियों के आशीर्वाद से चलने वाले, इन दो विचारधाराओं का टकराव होता है अगर बिहार में, तो मैं समझता हूं कि एक बिल्कुल देश में क्रांति हो सकती है। जी राहुल जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अग्निवीर का भी उदाहरण है, हालिया जो अग्निवीर के खिलाफ जो आंदोलन था वो बिहार में खड़ा हुआ था, वरना बाकी जगह बहुत सारी चीजें होती हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।